हेलो दोस्तों, आज सब हम आपको इस वीडियो में कंपनी के अंदर आपको मल्टीपल एड्रेसेस कैसे डिफाइन किया जाएगा ये बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने कंपनी ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ और कंपनी का एड्रेस मैंने पूरा डिटेल्स फिल कर चुका हूँ। तो आपको ये चेक करना है, तो आप गेटवे ऑफ टाली से ऑल्ट की करेंगे या किसी भी स्क्रीन से ऑल्ट के करेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा ऑल्टर। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि मेरा कंपनी का नाम है विजय सेल्स एंड मार्केटिंग और एड्रेस मैंने दे दिया है BTM फर्स्ट स्टेज बैंगलोर। तो ये मेरा प्राइमरी एड्रेस हो जाएगा दोस्तों। तो ये जब भी मैं अपना इनवॉइसेस में रिकॉर्ड करूँगा और ट्रांजेक्शन्स को प्रिंट करूँगा, ये वाला एड्रेस मेरे को प्रिंट में आएगा। तो अगर आपको एक और एड्रेस है जो कि आपकी कंपनी का कोई डिफरेंट लोकेशन में है वो भी देना चाहते हैं तो उसको कैसे करते हैं मैं ये भी बता दूंगा। तो सबसे पहले आपको F11 प्रेस करना पड़ेगा। तो आपको ये फीचर दिखाई देगा एनेबल मल्टीपल एड्रेसेस। तो ये फीचर नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको इधर पे शो मोर करके फिल कर यस कर लीजिए और शो ऑल फीचर्स को यस करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपने एनेबल मल्टीपल एड्रेसेस के लिए यस किया तो इधर पे एक ऑप्शन दिखाई देगा प्राइमरी एड्रेस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा पहला एड्रेस मैंने BTM फर्स्ट स्टेज बैंगलोर दिया था वो ऑटोमेटिक इधर पे फिल होके आ रहा है। तभी मैं इसको कंट्रोल ही करके सेव कर दूंगा। तो अभी मेरा सेकेंडरी एड्रेस मैं टाइप कर रहा हूँ, सेकेंडरी एड्रेस। तो अभी मेरा एड्रेस टाइप जो है विजय सेल्स यूनिट 1। तो मैंने ऐसे दे दिया है कुछ मेलिंग एड्रेस नेम और जहाँ पे मेरा दूसरा लोकेशन है वो एड्रेस दे देता हूँ। तो अभी मेरा एड्रेस है जयनगर 4th ब्लॉक बैंगलोर। तो इसका पिन कोड भी दे दूंगा मैं। तो इसको हमने सेव कर दिया है और इसको एक और बार प्रेस करके कंट्रोल ए हम सेव कर देंगे। एक और बार कंट्रोल ए करेंगे तो इसको हम सेव कर देंगे। तो अभी हम ये चेक करना चाहेंगे कि आपका इनवॉइसेस में आपको ये डबल एड्रेसेस कैसे यूज़ किया जाएगा। तो ये चेक करने के लिए सबसे पहले हम वोचर में जाएंगे। आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने सेल्स वोचर ओपन किया हो और कोई भी ट्रांजेक्शन मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। तो मैंने एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिया रहा हूँ जो कि हम एक कोई भी रेट दे दिए हैं और कंट्रोल ए। तो आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर चुका हूँ और अभी इसका ट्रांजेक्शन का हम देखेंगे कि ट्रांजेक्शन का प्रिंट कैसे लिया जाएगा। तो इसके लिए हम कंट्रोल पी किए हैं। तो अभी मैं प्रिंट प्रीव्यू पे जा रहा हूँ और आप जैसे कि देख सकते हैं कि एड्रेस मेरा कंपनी का कुछ भी नहीं आ रहा है, इधर पे ब्लैंक आ रहा है, सिर्फ कंपनी नेम आ रहा है। अगर आपको इसमें एड्रेसेस चाहिए तो आपको इसमें क्या करना है, इधर पे एक टाइटल के ऑप्शन दिया गया है, इधर पे इस पर क्लिक करना है जो डिटेल व्यू में आएगा जो कि इसका शॉर्टकट की होगा Alt F7। तो आप Alt F7 पे एस करेंगे तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने शो कंपनी नेम एस किया है, शो कंपनी एड्रेस नो किया था। तो आप मैं एस कर देता हूँ तो टाइप ऑफ एड्रेस मैंने प्राइमरी सेलेक्ट किया है तो मेरे को प्राइमरी एड्रेस आएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने एड्रेस अभी मैंने प्राइमरी सेलेक्ट किया है और प्रीव्यू में जाऊँगा तो एड्रेस मेरा BTM फर्स्ट स्टेज प्रिंट में दिखाई दे रहा है। अगर मेरे को एड्रेस जो सेकेंडरी चाहिए तो इधर पे Alt F7 प्रेस करना पड़ेगा। तो आपको एक स्क्रीन दिखाई देगी जो कि कंपनी डिटेल्स, इसमें जाके आपको टाइप ऑफ एड्रेस सेकेंडरी सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और प्रीव्यू में जाएंगे तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि मेरा एड्रेस जो सेकेंडरी एड्रेस आ रहा है इनवॉइस के अंदर। तो दोस्तों अगर ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब टू माय चैनल टैली लर्निंग वर्ल्ड।
और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए मेरे को चैनल को।